कोलकाता ऑगस्टिन है, मैं 65 इयर्स ओल्ड हूँ। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स हूँ। मैं दिल्ली मानवी चर्च में 2013 में आई अपने हस्बैंड के थ्रू। डिग्निस ऑगस्टिन नर्स के रूप में बीमारों की देखभाल करती हैं, लेकिन खुद उन्होंने बहुत से दिन कष्ट में बिताए उस बीमारी के कारण जो उनको लंबे समय से परेशान कर रही थी। ये बीमारी तो मुझे 2000 से हुई थी। जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता था, उसके बाद मेरे लेफ्ट पैर का सेंसेशन खत्म हो गया। हाँ, जब सियाटिका शुरू हुआ था तब से नंबनेस लगातार थी, उसकी वजह से मेरी चाल में स्लाइटली डिफरेंस आ गया, जिससे मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा लंग करके चलने लगी। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं चल नहीं पाती थी, इसलिए मेरे बच्चे और मेरे परिवार भी सफर करता था, क्योंकि मैं जो घर के काम थे उनको ठीक से नहीं कर पाती थी। अपने जीवन में 2000 के आसपास में मैंने इसको महसूस किया था। मेरे दूसरे बच्चे के डिलीवरी के बाद में उसको ये परेशानी हुई थी, और उस परेशानी की वजह से हमारे पारिवारिक जीवन में तो ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं थी, लेकिन उसको खुद तकलीफ में रहती थी, लेकिन उसने कभी भी हमें नहीं बताती थी, और अपने दर्द को खुद ही वो सहन करते हुए वो अपने काम घर के कामों को करती थी। इसी प्रकार से वो उसने कम से कम 27 साल इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारा। बायां पैर सुन्न होने की वजह से वो लगातार दर्द में रहती थी, इसीलिए अंत में डिग्निस ऑगस्टिन ने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बोला कि लंबर कनाल स्टेनोसिस है, जिसकी वजह से आपकी जो नर्व्स हैं वो आपकी लंबर 5 में प्रेस हो गई है, उसकी वजह से आपके पैर में नंबनेस है। जब डॉक्टर ने एडवाइस किया था तो मैंने 3 वीक्स तक वेट के साथ डायथर्मी कराते थे, वो अल्टरनेट डे, उसको मैंने रेगुलर किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये मेरी नंबनेस जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर मुझे डॉक्टर ने बताया कि ये नंबनेस ऐसे ठीक नहीं होती है, बस आपकी लाइफ में कोई और चेंज नहीं आएगा, बस ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट के साथ ही आपको जीना पड़ेगा। हालांकि उनकी समस्या किसी भी सांसारिक तरीके से ठीक नहीं हो सकती थी, मानमिन में प्रकट परमेश्वर की सामर्थ्य ने उन्हें चंगाई पाने के लिए विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पैर का ये जो सुन पाना ये खत्म हो सकता है, और उस टेस्टिमनी में मैंने किसी डीकनेसिस को एक गवाही देते हुए सुना कि उनका जो छोटा पैर था वो लंबा हो गया। उस दिन मैंने सोचा कि जब इनका पैर छोटा जो लंबा हो सकता है, तो चरवाहे की रिक्रिएशन की पावर से मेरा पैर भी ठीक हो सकता है। मैंने सीनियर पास्टर जी को देखा और उनकी जो चिन्ह और चमत्कार है उनके बारे में सुना, और उसके ऊपर मैंने विश्वास किया। और जब भी मैंने प्रेयर करी और जब भी मैं चर्च गई, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। परमेश्वर सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की है, वे सिद्ध प्राणी है जिसका अस्तित्व समय के आरंभ से होने से पहले है। पिता परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखते हुए उन्होंने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया। का लेख प्रस्तुत करती है जो मनुष्य की सामर्थ्य और ज्ञान के द्वारा नहीं किया जा सकता। फरवरी की चंगाई सभा के लिए 42 डेज की डैनियल प्रेयर मीटिंग में मैंने 1 वीक फास्टिंग किया, और बीच में मैंने चरवाहे के बहुत सारे सरमन सुने, जिसमें सीड ऑफ लाइफ भी मैंने बार बार सुना, और उसके द्वारा मैंने बहुत सा अनुग्रह पाया और मैंने अपने जीवन को मुड़ के देखा, और बहुत सी बातों के लिए मैंने रिपेंटेंस किया। मैंने पश्चाताप किया क्योंकि मैंने सीड ऑफ लाइफ में सुना था कि जब हम पूर्ण हृदय से पश्चाताप करते हैं तब परमेश्वर हमको चंगाई देता है। तो मैंने अपने गुस्से के लिए, और मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, उसके लिए मैंने बार बार पश्चाताप किया, और जो कार्य मुझे चर्च में दिए गए थे या मैंने अपने परिवार के लिए ठीक से नहीं किए, उनके लिए मैंने रिपेंटेंस किया। मैंने सबसे पहले उसको अटेंड करने के लिए प्रेयर की फादर गॉड से, और फिर मैंने अपनी कुलीग से बात किया, और फिर मैंने 1 आवर शॉर्ट लीव मॉर्निंग में ली, और फिर मैंने उस सभा को अटेंड किया।
और सुबह जो आत्मिक सभाएं मिसेस बोंगिमली के द्वारा होती हैं वो 3 दिन तक हमारे चर्च दिल्ली मार्मिन से भी टेलीकास्ट हुई। सबसे पहले उसको अटेंड करने के लिए मैंने अपने परिवार से बात की, क्योंकि ये संगाई सभा है सुबह की, ये सुबह 7:30 बजे से शुरू होकर 8:30 बजे खत्म होती है और मेरे हॉस्पिटल जाने का टाइम है ये। और उससे पहले मुझे घर के बहुत सारे काम करने होते हैं, खाना वगैरह बनाना होता है, मेरे पति को भी ड्यूटी जाना होता है, तो उन सबसे मैंने बात की और उन्होंने भी मेरा सहयोग दिया। और फिर मैंने प्रार्थना करी और उसके बाद मैंने अपने कुलीग से बात करी और 1 आवर शॉर्ट लीव ली, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी से रोज लेट पहुंच रही थी। जब मिसेस बोंगिमली ने हैंकरचीफ के साथ प्रार्थना करी तो मेरे पास भी जो हैंकी है सीनियर पास्टर का प्रार्थना का, उसको लेकर मैंने प्रार्थना करी और मैंने 3 दिन लगातार अपने बॉडी में गर्माई को महसूस किया। जो प्रार्थना के बाद मैंने ये महसूस किया कि जो मेरे पैर में एक खिंचाव टाइप का रहता था पीछे लंबर स्पाइन से लेके पैर के नीचे तक, वो मैंने कम महसूस किया। सभा के दौरान जब उनकी हालत में सुधार हुआ तो उनके जीवन में चंगाई प्राप्त करने की और ज़्यादा आशा आई और अंत में उन्होंने फरवरी की ईश्वरीय चंगाई सभा में हिस्सा लिया। मैंने उस प्रार्थना को जब अटेंड किया तो मुझे पश्चाताप का और आत्मा मिला और मैंने ठीक से उस प्रार्थना करी और जब मीटिंग खत्म हुई तो मैंने खड़े होकर देखा और जो खिंचाव मेरे पैर में था वो खत्म हो चुका था। हाँ, पहले मुझे एक तरीके का खिंचाव रहता था कमर से लेके पैर में नीचे तक, और जो मेरे पैर की छोटी उंगली की साइड है उस साइड पूरा नमनस रहती थी, लेकिन अब जो वो खिंचाव है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मैं फादर गॉड की बहुत धन्यवाद करती हूँ कि चरवाहे की प्रार्थनाओं के द्वारा मैंने ये चंगाई को पाया। और सर में जो पिता का धन्यवाद देते हैं कि जब उसको चंगाई मिली तो उसके बाद उसके जीवन में भी काफ़ी चेंजेस आए, उसके बात करने के तरीके में, उसके स्वभाव में भी हमने काफ़ी परिवर्तन देख रहे हैं। और पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि पिता ने उसे सिर्फ शारीरिक चंगाई ही नहीं दी, उसमें आत्मिक चंगाई को भी हम महसूस कर रहे हैं। और सचमुच में ये सिर्फ और सिर्फ चरवाहे का वो स्पेस है जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को अपने परिवार के में देख पा रहे हैं। चंगाई प्राप्त करने के बाद अब डिकनेस ऑगस्टीन के पास अब एक नया दर्शन है। परमेश्वर में मेरा दर्शन है अपना पवित्रीकरण की ओर ध्यान देना और दूसरी आत्माओं को परमेश्वर के बारे में बताना और अपने चरवाहे के बारे में बताना कि भाई हमको अगुवाई कर रहे हैं नए विश्व में जाने के लिए। फादर गॉड को ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें चरवाहे से जोड़ा है और हम चरवाहे की जो रिक्रिएशन की पावर है उसके द्वारा बहुत कुछ हमने पाया है जीवन में और हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि हम चरवाहे के साथ एक यरूशलेम में जाएंगे। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और मैं चरवाहे का धन्यवाद करती हूँ और मैं मिसेस बोंगिमली का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें प्रार्थनाओं में जोड़े रहती हैं और जिनके द्वारा मैंने चंगाई को पाया। मिसेस पास्टर सुजन ली का भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ।